मेरठ पुलिस ने किया सुरंग खोदकर चोरी करने वालों का बड़ा खुलासा। चोरों के पास से गैस कटर मशीन और भारी संख्या में नकदी बरामद। चोरी करने का तरीका भी नायाब था। वो गड्ढा खोद कर दो दो रात से पार पाल कर देते थे और करते थे। सॉरी हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह की घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। यासीन का कर्ज उतारने के लिए सारे एक हो गए थे। हाँ, इनके द्वारा ये घटना अपनी जो गरीबी है उसको पूरा करने के लिए और इसमें लालच के कारण ही की गई थी। सुरंग बनाने में कितना वक्त इन लोगों को लगा था, कितने दिन इन लोगों ने लगाए थे और इसे आप किस तरह से मानते हैं, इसे आप कितना बड़ा फ्लॉ मानते हैं? तीन दिन तक अगर सुरंग बनाई जाती रही, फावड़ा चलता रहा, नाले की खुदाई चलती रही, गैस कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ये चोर गिरफ्त नहीं आते। ये घटना जो है, इन्होंने जो दो घटनाएं इसमें जो नौचंदी थाना में हुई थी लगातार एक महीने के अंतराल में, इसमें पहली घटना में इनके द्वारा दो से ढाई दिन का समय लिया गया था। ये रात्रि को जैसे इनको पता, जैसे जो लास्ट घटना हुई थी थाना नौचंदी में, इसमें इनको पता था कि जो संडे को दुकानें बंद हो जाती हैं और सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था और उसको इनको देखा कि जब सोमवार को दुकानें बंद होती तो उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, तो हम लगातार दो रातों को, यानी कि संडे की रात, संडे और रविवार और सोमवार की रात को जिस दिन दुकान बंद हो रही है, साथ ही सोमवार और मंगलवार की रात को जिस दिन भी दुकान बंद है, तो इन दोनों ही रातों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। और इन घटनाओं में, क्योंकि ये नाले के अंदर से जाते थे, तो अगर बाहर कोई आदमी भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नाले में ये सुरंग किस तरह से खोद रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मेरठ ही क्यों चुना? उससे पहले आपने देखा बाइकर्स गैंग का क्या था, वो भी मेरठ आए थे, मतलब मेरठ आने के पीछे ये, क्योंकि ये है कि जैसे ये दूसरे जनपद के रहने वाले हैं तो इसमें इनकी पहचान आसानी से ना हो सके। सामान्यतः ये होता है कि अपराध करने वाले को लगता है कि अगर वो जिस जनपद में जा रहे हैं उसी के रहने वाले हैं और वहीं घटना कर रहे हैं, तो उनका पकड़ा जाना आसान होता है। इस वजह से थोड़ा इसमें समय भी लगा, 7-8 दिन का समय लगा पकड़ने में, क्योंकि ये इनकी पहचान यहाँ पर नहीं थी, ये किराए के मकान पे रह रहे थे और ये जो है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहाँ पे रह रहे थे, जिससे इनकी पहचान हमारे डाटाबेस में भी नहीं थी।